बरेली में मदीना शाखा इमामबाड़े के नाम से प्रसिद्ध एक इमामबाड़ा। आपको बता दें कि बरेली में मदीना शाखा इमामबाड़े के नाम से एक मशहूर इमामबाड़ा है जो 250 वर्ष पुराना है। इसमें इमाम हुसैन की याद में कई वर्ष पहले ताजिया बनाया गया था, जिसकी देखभाल आज भी उनकी पीढ़ी करती है। ये ताजिया 2005 से इमामबाड़े में रहता है और उसको देखने और मन्नत मांगने काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। मुहर्रम की 10 तारीख को इसके फूल और चढ़ावा इसके देख रेख करने वाले करबला ले जाकर नज़र करते हैं। देखिए सैयद सलमान की इस खास रिपोर्ट में। क्या नाम है आपका? हसीन मियां। ये तख्त क्या सारा देखभाल आप करते हो? जी साहब। कब से कर रहे हो आप ये? हम तो कर रहे हैं, हमारी 51-52 साल की उम्र है और जब से ही कर रहे हैं वो लोग 10-12 साल की उम्र से। ये कब से बन रहा है? तो भाई तो ये अंग्रेजों के टाइम की है इमारत। अच्छा, ये जगह क्या कहलाती है? मोहल्ला रोई डोला मदीना शाह इमामबाड़ा। मतलब 52 साल की आपकी एज है और 52 साल से आप इस तख्त को पूरी देखभाली और आपका तख्त उठना हर मुहर्रम में आप ही करते हो? जी साहब। अच्छा, आपसे पहले कौन करा करते? हमारे वाली साहब करते थे। अच्छा, मतलब आपकी जो है पीढ़ियाँ इस तख्त को कर रही हैं। जी, तख्त को कितने वर्ष हो गए होंगे? ये कम से 100 साल से ऊपर हो गई साहब। 100 साल से ऊपर, मतलब बरेली में आपके कहने के अनुसार सबसे पुराना तख्त? सबसे पुराना तख्त यही है, सबसे पुराना ही है। तो ये आप ये टहलता नहीं है क्या? नहीं, टहलता है। सन 2005 तक ही टहला, उसके बाद से नहीं टहलता है। उसके बाद से नहीं टहला जी। अच्छा, अब इसके आप जब 10 तारीख को मुहर्रम की 10 तारीख को करबला में जी, तो आप इसे किस तरह से लेके जाते हैं? हम इसे लेके नहीं जाते हैं, खाली मेहंदी लेके जाते हैं। खाली आप मतलब तख्त यही रखते हैं, उसके फूल जी, जी, और मेवा जो है आप अपने साथ से करबला में लेके जाते हैं? जी 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 जी। अच्छा, और यहाँ पर उसके साथ साथ बराबर में वो भी है, इमामबाड़ा भी है? इमामबाड़ा यही है, बड़ा ही है ये। अच्छा, तो इसे पूरा इमामबाड़ा का नाम क्या है? मदीना इमामबाड़ा मदीना शाह। अच्छा, सैयद कादरी पहलवान साहब। सैयद कादरी पहलवान साहब। कादरी पहलवान साहब जी। अच्छा, तो यहाँ पर हर साल उर्स भी होते होंगे? हाँ, उर्स भी होता है। तो कौन कराता है वो उर्स? ये हमारी कमेटी कराती है। अच्छा, ये सिलसिला कहाँ का है? ये सिलसिला बगदाद शरीफ का ही है। बगदाद शरीफ से? तो इनके औलाद अजदाद कोई यहाँ पर हैं बरेली में या नहीं है? औलाद का तो नहीं पता इनका। अच्छा, तो इनके मज़ार को कितने साल हो गए यहाँ? ये भी बहुत करीब, हमारे दादा तो ऐसे ही बताते थे, ऐसे ही हम देखते चले आ रहे हैं। तो इनके जो यहाँ पर हैं जब से मेरे ख्याल से 100-150 साल भी पूरा ज़्यादा ही होंगे। अच्छा, ठीक है। हम मौजूद हैं इमामबाड़ा, एक ऐसा इमामबाड़ा है बरेली का जो सबसे पुराना इमामबाड़ा है, और यहाँ पर एक ऐसा तख्त है जो 2005 से अपनी जगह पर मुकम्मल है और ये कहीं भी नहीं जाता है। 10 तारीख मुहर्रम में इस तख्त के फूल और जो मेवा होती है वो उठा के इनके जो भी खादिम हैं, जो मेरे साथ साथ खड़े हैं और ये भाई हैं, ये सब मिलकर मुहर्रम की 10 तारीख को ये करबला जाकर पेश कर देते हैं। और इस तख्त का सबसे बढ़िया जो मसला मैं आपको बताऊं वो ये है कि इस तख्त के अंदर ये इतना पुराना है कि 52-53 साल से ये भाई साहब इस तख्त की देखभाली कर रहे हैं, और इससे आगे इनके वालिद करते थे, उससे आगे उनके वालिद करते थे। सारे बरेली के तख्त आपको सब जगह आपको मिलेंगे। लोग 8 तारीख को या 7 तारीख को पूरे बरेली में लेके घूमते हैं और उसको लोगों को उसकी ज़ियारत कराते हैं। मगर एक ऐसा तख्त है जो ये आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी जगह पर मिलेगा। ये बरेली का सबसे पुराना तख्त है और ये मदीना शाह के इमाम बाड़े पर स्थित है। मैं कैमरा पर्सन हरीश श्रीवास्तव के साथ सैयद सलमान, LTT न्यूज़, बरेली।